गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, मैं आपको कक्षा 12वीं का अवकलन चैप्टर का फार्मूले बताने जा रहा हूँ। पहला सूत्र है डी अपॉन डी एक्स, कोई भी अचर हो उसका अवकलन जीरो होता है। सेकेंड चैप्टर डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एम, इसका अवकलन एन एक्स एन माइनस के वन होता है। डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन एक होता है। डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन एक बटे दो अंडर रूट एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स, एक्स की पावर माइनस एक होता है। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन ए एक्स लॉग ई ए होता है। लॉग एक्स का अवकलन एक बटे एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स होता है। कॉज एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स होता है। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का अवकलन माइनस के कॉजेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स होता है। कॉज एक्स एक्स का अवकलन माइनस के कॉज एक्स एक्स कॉट एक्स होता है। लॉग ए एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स लॉग ए ई होता है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। कॉज इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक होता है। कोजेक इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस के वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक होता है। ये कुछ फार्मूले हैं। इसके बाद यदि दो पद दिए जाएँ तो दोनों पद का और दोनों पदों के बीच गुणनफल हो तो उनका अवकलन, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। यदि दो पद भागफल के रूप में हो तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद करना है, क्लास ट्वेल्थ के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू। मैं आक्रोश कुमार।